नगर पालिक निगम दुर्ग में कार्यरत लगभग 1400 प्लेसमेंट एमसीसी एवं नियमित कर्मचारियों की 8 सूत्री मांग को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक ने निगम आयुक्त से की चर्चा। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में दुर्ग नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने निगम आयुक्त हरेश मंडावी से चर्चा कर अपनी 8 सूत्री मांगे रखी। इसी कड़ी में दुर्ग के डाटा सेंटर में बड़ी संख्या में प्लेसमेंट कर्मचारी पहुंचे, दुर्ग नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर बातें की, जिसमें निगम आयुक्त ने सभी कर्मचारियों से विस्तार पूर्वक बातें सुनकर उनका जल्द ही निराकरण करने, गाइडलाइन बनाकर कर्मचारियों की सुविधा के लिए रोस्टर तैयार किए जाने की बातें कही। इसी कड़ी में दुर्ग निगम आयुक्त ने न्यूज़ टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं कर्मचारियों ने भी अपनी बातें कही। आज नगर निगम के जो कर्मचारी, जो हमारे समस्त कर्मचारी संघ के और साथ एमसीसी वर्कर्स आए हुए हैं, जिनसे एक सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई है। इनके कुछ मांगे हैं, पहले भी आवेदन दिए थे, खास करके जो पुराने जो किवाड़ कंपनी के समय जो कर्मचारी थे उनको कुछों को हटा दिया गया है, उनको रखे हैं। उसके लिए कुछ जो है हमारे कर्मचारी जिनका तबियत खराब हो गए थे लेकिन कुछ कारण हटा दिए गए थे, उनको दोबारा रखने के लिए इन सब मांगों पर डिस्कशन हुआ है। और मैंने ये भी कहा है कि डिटेल जो है इस पर हम एक बार और बैठेंगे। प्राइमर फेसी जो है उनके जो लोग जो आए हुए हैं और हमने यही इनका आश्वासन दिया है कि जो भी उनकी मांग रहे जो भी मांग है उसको हम एक तरीके से एक अच्छे प्लेटफॉर्म में रखकर और इसको हम नए तरीके से इनके हित के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर हम एक विचार करेंगे और फिर इसको यदि कुछ नीतिगत निर्णय हो तो फिर माननीय महापौर जी से चर्चा करके इसको मैसेज भी रखेंगे। और अल्टीमेटली ये है कि हम चाहते हैं कि ये हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं और इनके हित के जो काम हम कर सकते हैं। नगर निगम दुर्ग डाटा सेंटर में आज पहुंचे थे, पहले सभी कर्मचारी नगर निगम दुर्ग में गए थे, वहाँ आयुक्त महोदय के चर्चा से पता चला कि वो मीटिंग में बैठे हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और कर्मचारियों से मुलाकात की और 8 सूत्री मांग था, जिसमें उन्होंने पॉइंट वाइज चर्चा किया। सबसे पहला मुद्दा था 1 से 10, 51 से 60। उन्होंने कहा है कि उसके स्वीकृति के लिए हमने लेटर भेजा है शासन को, जो जल्द ही आ जाएगा और 1 से 10, 51 से 60 वालों को प्लेसमेंट किया जाएगा, जो एमसीसी में डिप्लोमेसी के कारण उनको एमसीसी में किया गया था। दूसरा मांग था मिशन क्लीन सिटी कर्मचारी, जो लगभग 2017 से अपनी सेवा दे रहे हैं, जो मानदेय श्रमिक हैं, उनको लगातार 8 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है, झाड़ू नाली सब चीज़ का, उसमें भी चर्चा हुई। उनको बोले हैं कि सप्ताह में एक दिन अवकाश दिया जाएगा, उसके लिए जितने भी केयर टेकर हैं उनको एक रोस्टर बनाने के लिए बोला गया है। काम में कोई प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए सभी केयर टेकर को जानकारी दी गई है। प्लस जो कर्मचारी पूर्व में बंद हुए हैं, चाहे वो प्लेसमेंट से हो चाहे एमसीसी हो, 15 दिन के अंदर उसके लिए इंटक द्वारा बैठक किया जाएगा, संयुक्त ट्रेड यूनियन DMS सभी को बुलाया जाएगा, उसमें जो भी कर्मचारियों की सूची है उसको संलग्न करके उसमें जो भी विचार विमर्श करके शासन को पत्र भेजा जाएगा और उनकी बहाली की जाएगी। और अभी जो दोपहर में आप देख रहे हैं 40% 45% डिग्री चल रही है, उस समय सभी अपने घर में AC कूलर में सोते हैं, उस समय हमारे कर्मचारी अपना समय दे रहे हैं। नगर निगम का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि पर्सनल एक व्यवस्था हो कि वार्डों में पानी पीने की व्यवस्था हो या बैठने की व्यवस्था हो। उसको देखते हुए उन्होंने सुबह 6 से 12 बजे का समय एक निर्धारित किया है, वो जल्द ही आने वाले महीने में रोस्टर जारी हो जाएगा। और जिनको भी जो भी परेशानी, आयुक्त महोदय ने स्वयं बोला है कि हमारे तक संपर्क होने पर उसका निराकरण किया जाएगा। 8 सूत्री मांग के हिसाब से कमिश्नर साहब से चर्चा हुई है, जिन्होंने हमें पर्सनली कुछ सदस्य को बुला के, हमारे इंटक के द्वारा बुला के उनसे बात करने की बात कही है। और जैसे पूर्व में कुछ प्लेसमेंट कर्मचारी जिनको MCC में डाला गया था, उनकी पहल करने की मांग की गई है, उनको वापस प्लेसमेंट में लिया जाए करके, ये सबसे पहला मुद्दा है। और MCC कर्मचारी जिनका छुट्टी के लिए, इनको क्या है, इनका डेली का काम हो जाता है, इनको एक भी दिन के लिए छुट्टी नहीं मिल पाता, तो उनके लिए भी हमने बात किया, तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि इनका रोस्टर बना के आप दीजिए, हम उनका छुट्टी स्वीकृति। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।